अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में यस मैन बन जाते हैं। यस मैन मतलब यस टू प्रॉस्पेक्ट, यस टू अप्लाइंग, यस टू एवरी टास्क। लेकिन बींग अ प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर, आपको ये समझना होगा कि कुछ प्रॉस्पेक्ट को आपको नो बोलना भी सीखना होगा। हेलो एवरीवन, आई एम चंचल सोनी एंड अ प्राउड डिजिटल नेटवर्कर। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि किन प्रॉस्पेक्ट को आपको मना कर देना चाहिए, नो बोल देना चाहिए। सो दोस्तों, इस वीडियो को आप बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखिएगा। साथ में दोस्तों, मुझे पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो लगातार मिलते रहे। सो दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली एक पर्सन ने मुझे कनेक्ट किया कि मुझे थोड़ा फॉरवर के बारे में जानना है। तो मैंने उनसे बातचीत करी कि क्या नाम है आपका, कहाँ से हो और क्या काम करते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नाम वसीम है और मैं गाजियाबाद से हूँ, मैकेनिक का काम करता हूँ। तब मैंने उनसे एक बार उनके बारे में जानने के लिए कॉल पर कनेक्ट किया। तो जब कॉल पर कनेक्ट किया, वो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं लग रहे थे, उनका रवैया कुछ अलग ही था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपको फॉरवर के बारे में किसने बताया, आपने मुझे क्यों कनेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दोस्त असद ने मुझे बताया और मैं थोड़ा और आपसे जानकारी चाहता हूँ। उनसे बातचीत करने में वो थोड़े ठीक नहीं लग रहे थे, लाइक एजुकेटेड भी नहीं लग रहे थे, और बिल्कुल भी लाइक हमारी टीम में जो हमारी टारगेट ऑडियंस हम सर्च कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। तो मैंने उनको साफ मना कर दिया कि आपको जिन्होंने भी फॉरवर के बारे में बताया है, आप उन्हीं को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है, आप उनको मना करना आपको सीखना होगा। से नो टू दोज प्रॉस्पेक्ट जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को टीम में लेकर आना इट मीन्स हैंडीकैप पर्सन को पालना। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के ऊपर टाइम और एफर्ट लगाने से अच्छा है आप आपकी टीम में अच्छे लोगों को लेकर आओ, जिनको आपको ज़्यादा गाइड ना करना पड़े। जैसे कि हम हमारी टीम में ऐसे लोगों को हायर करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में काम करते हैं जिनको बस थोड़ा गाइड किया जाए, वो भी हमारी तरह एक क्रिएटर की तरह काम करे, जिनको थोड़ा गाइडेंस दी जाए और आगे वो खुद अपना काम कर ले। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से वर्क करते हो तो आप अच्छी तरीके से टीम बिल्ड कर पाते हो और आपकी टीम भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाती है। लेकिन वहीं आप ऐसे लोगों को लेकर आ जाते हो जो केवल ऑफलाइन ही काम कर सकते हैं, ऑनलाइन की जिनको समझ नहीं है, तो ऐसे लोगों को आपको बहुत ज़्यादा गाइड करना पड़ता है कि फेसबुक पर कैसे पोस्ट डालना है, कैसे ग्रुप में ज्वाइन करना है, कैसे इंस्टाग्राम पर काम करना है, कैसे यूट्यूब पर काम करना है, एक एक चीज़ आपको उनको बतानी पड़ती है। तो दोस्तों, ऐसे केस में बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लग जाता है। उसकी जगह उसी टाइम को अगर आप अच्छे लोगों के ऊपर लगाते हो जो एजुकेटेड है, जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न्स हैं, तो इस तरीके से अगर आप उनको गाइड करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम में अच्छा काम करने लगते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में यही शेयर करना चाहती थी कि आपको बींग अ प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर सीखना होगा कि ऐसे लोगों को आपको मना करना होगा, आपकी जो टारगेट ऑडियंस नहीं है उनको मना करना, नो बोलना आपको सीखना होगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि क्वालिटी लीड कैसे जनरेट की जाती है, कैसे हम हमारी टीम के अंदर क्वालिटी लीड जनरेट कर पा रहे हैं, तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक मास्टर क्लास का लिंक डाल रही हूँ, उसको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बस 10 मिनट का वो मिनी वेबिनार है, इसको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।